ट्स ग्रुप में तमाम एजुशन के के जाती है मेडिकल एडिड एंटे स्कॉलिश्स आर्मी ने जॉइन बोर्ड और ताली से मुताल जैसे स्टड्स के लिए एडीआी से जारी कर दी गर्मी से नम्बर छोटी की बहाल की तीन की आज परेशानी आती है और एम साइडिस थ्री और जबकि दखल छोड़े इसी तरह से

असल डियर स्टूडेंट्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नम्स के एंट्री टेस्ट का रिजल्ट दो नवंबर को जारी किया गया था जिसके बाद ये तो की जा रही थी कि बहुत जल्द आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे तो आज तेरह नवंबर को एम डी कैट वाले रोज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज के दाखिले ओपन कर दिए गए हैं नम्स की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज के एम बी बी एस और बी डी एस के एडमिशन की मुकम्मल इफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो इस वीडियो में आपके साथ ए के दाखिलों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चलें कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 200 और बीडीएस की 50 सीटें हैं जबकि ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में एम और बी के एडमिशन में एक तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि नम्स कैंडिडेट्स होते हैं यानी जिन्होंने नम्स का एंडिडेस देना होता है और उस एडेट्स की बुनियाद पर वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जिनके एडमिशन अभी ओपन हुए हैं इनके अलावा मेडिकल कैडेट्स के स्टूडेंट्स भी ए में एडमिशन लेते हैं लेकिन उसका सारा प्रोसीजर आर्मी के थ्रू होता है और इसके एडमिशन जो है वो जुलाई अगस्त में ओपन होते हैं और तीसरा तरीका होता है पेइंग कैडेट्स वाला इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आर्मी के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चे हों मुताबिक एम बी बी एस और बी डी एस के प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ओपन मेरिट बेसिस पर अप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन यह है कि पाकिस्तानी सिटीजन हो इसके अलावा आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिसान के डोमिसाइल होल्डर्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी पूरे पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स एएमसी में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा

होंगे जबकि ऐसे जिनके पास सिर्फ फॉरेन पासपोर्ट ही अवेलेबल है तो ये फॉरेन नेशनल्स कहलाएंगे और यहां ये बात क्लियर करते चले कि आज से एक दो साल कबल ये होता था कि जो स्टूडेंट्स ओवरसीज पाकिस्तानी वाले होते थे तो पाकिस्तानी जो मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स कंसिडर करते थे अब जैसे कि पाकिस्तानी जो रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फ़ीस चूँकि रुपीज़ में होती है और ये नॉर्मल फ़ीस होती है जबकि जो, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस डॉलर्स में होती है तो चूँकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते थे या डोल नेशनैलिटी के होल्डर्स होते थे तो इन्हें फॉरन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था और इनसे ज़्यादा फीस ली जाती थी जो कि डॉलर्स में होती थी लेकिन लास्ट ईयर फिर ये रूल चेंज किया गया और अब ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि डोअल नेशनलिटी होल्डर भी हैं चाहे ये पाकिस्तान में रह रहे हैं या चाहे आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं दोनों केसेज़ में ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही कंसिडर होंगे और इनसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हिसाब से ही फीस चार्ज किया जाएगा और ऐसे स्टूडेंट जो फॉरन कैंडिडेट्स हैं और सीट्स के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है कि इन्हें नम्स टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और एफ एस सी प्री मेडिकल या में 60 में रहे होंगे और आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बी के प्रोग्राम्स की पर ईयर फीस तकरीबन ढाई लाख रुपए के करीब होती है और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मेरिट पर एडमिशन सिक्योर करते हैं तो इन्हें यह फीस स्ट्रक्चर पे करना पड़ता है जबकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर कोई सीट्स नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही दाखिल

जबकि इस साल मेरिट फॉर्मूला को चेंज कर दिया गया है जिसमें टेन परसेंट 40% फोर्टी परसेंट एफ और फिफ्टी परसेंट नम की वेटेज शामिल की जाएगी और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की एमबीबीएस की चालीस सीटें जबकि फॉरन नेशनल्स की पंद्रह सीटें हैं और डेंटल सेक्शन यानी बी के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की छह सीटें और फॉरेन नेशनल्स की आठ सीटें हैं अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस की ओपन मेरिट की चालीस सीटें हैं और इसके अलावा जो फॉरन स्टूडेंट्स की पंद्रह सीटें हैं तो इन पर सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यानी इनको टोटल कर लिया जाता है ये चालीस और पंद्रह पचपन सीटें बनती हैं एमबीबीएस की और इन पचपन सीटों पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी ओवरसीज और डुअल नेशनलिटी होल्डर्स भी और इसके अलावा फॉरन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जिसका मेरिट बनेगा उसको दाखिला मिल जाएगा तो इसमें होता यह कि चूंकि मोस्टली पाकिस्तानी बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं तो लास्ट ईयर के अगर हम मेरिट देखें तो ये जो पचपन की पचपन सीटें थी तो ये लोकल कैंडिडेट्स के पास ही आई थी यानी पचपन के पचपन जो स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तानी ही थे और इसमें एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो कि फॉरन स्टूडेंट हो और उसने अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर किया हो इसलिए आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सीट्स को चालीस मत समझिएगा बल्कि ये पचपन सीटें हैं और अगर बी की ओपन मेरिट की सीटें देखें तो ये छह हैं और इसके अलावा आठ सीटें फॉरन स्टूडेंट्स के लिए हैं और बी की भी जो लास्ट ईयर के तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे तो वो चौदह की चौदह सीटें लोकल कैंडिडेट्स के पास ही आई थी फिर इसके बाद आपके साथ आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बी के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की मुकम्मल तफसी शेयर तो जब पिछले साल आर्मी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की पहली मेरिट लिस्ट लगी थी तो वहां पर जो क्लोजिंग मेरिट था वो 92.51 परसेंट था अब 92.51 परसेंट काफी ज्यादा एग्रीगेट था लेकिन हुआ ये कि ये जो पहली मेरिट लिस्ट लगी थी ये 10 दिसंबर को लगी थी और इसके बाद फिर फर्दर मेरिट लिस्ट लगती रही लगती रही और जो आखिरी मेरिट लिस्ट लगी थी वो 10 फरवरी को लगाई गई थी यानी 10 फरवरी को जब आखिरी मेरिट लिस्ट लगी तो उस वक्त एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट है ये 92.51 से कम होकर 90.05 परसेंट तक आ गया था यानी तकरीबन ढाई परसेंट का टोटल एग्रीगेट का ड्रॉप आया था पहली और आखिरी मेरिट लिस्ट में इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल ए में अप्लाई करते हैं तो जब पहली मेरिट लिस्ट लगेगी तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एम और बी के क्लोजिंग मेरिट्स को देखकर आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि जैसे जैसे लिस्टें लगती जाती हैं मेरिट काफी हद तक ड्रॉप करता जाता है उसकी वजह ये होती है कि साथ साथ एफ की मेरिट लिस्टें लगती हैं फिर इसके अलावा जो जितने भी प्रोविंशियल सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी जब मेरिट लिस्टें लगती हैं तो फिर स्टूडेंट्स के पास चॉइस आ जाती है एक बच्चा जिसका किंग एडविड में भी दाखला हो रहा है और साथ में उसका एम में भी हो रहा है या एक बच्चे का खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में या डो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है और साथ में ए में हो रहा है तो उसके पास फिर चॉइस होती है और फिर मोस्टली बच्चे फिर अपने प्रोविंस के मेडिकल कॉलेज को तरजीह देते हैं और वो फिर वहीं दाखिल ले लेते ले हैं और ऐसे केस में AMC की वो सीट खाली बच जाती है और बी डी एस की जब दस फरवरी को आखिरी मेरिट लिस्ट लगाई गई और मेरिट ड्रॉप होते होते ये पॉइंट तक चले गया था यानी तकरीबन थ्री से भी ज्यादा एग्रीगेट का ड्रॉप देखा गया बी के एडमिशन में तो इस साल भी तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनका टोटल फार्मूला के मुताबिक कैलकुलेशन के बाद 90 परसेंट या इससे ज्यादा बन रहा है तो आप लोगों को एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर होपफुल भी रहना चाहिए जबकि ऐसे स्टूडेंट जिनका 89 या 88 परसेंट तक की रेंज में मेरिट है तो भी आप लोग जरूर अप्लाई कर लें मुमकिन है चांस बन जाए और एग्जेक्ट मेरिट कितने पर क्लोज होता है ये तो वक्त ही बताएगा इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो चौदह नवंबर से नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी जबकि एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख सात दिसंबर की शाम चार बजे तक है इसके बाद नम्स की तरफ से हिफ्ज कुरान का टेस्ट बारह दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा और पहली मेरिट लिस्ट पंद्रह दिसंबर को लगा दी जाएगी और याद रहे की एचीसी के रूल्स के मुताबिक ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हाफजे कुरान है अगर वो हिफ्ज कुरान

है, तो ऐसे केस में इन्हें की 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 तरफ से तैयार करवाना होगा। इसके अलावा तौर पर की जाएंगी, जिसके मुताबिक तमाम को मेडिकल और डेंटल के प्रोग्राम्स में अलग अलग अप्लाई करना होगा और अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई करना होगा और ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एमबीबीएस में अप्लाई कर दें और आप ये सोचें कि एमबीबीएस में बना तो ऑटोमेटिकली बीडीएस में आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा आपको अप्लाई करते हुए बाकायदा तौर पर प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी होगी कि क्या आप सिर्फ एम बी बस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ बी डी एस के लिए या कि दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यह कैंडिडेट की रिस्पॉसिबिलिटी होगी कि वो कम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवाए और इसमें अगर किसी किस्म की डेफिशेंसी पाई गई तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म एक मरतबा सबमिट हो जाने के बाद ये फाइनल कंसिडर होगा और इसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं की जा सकेंगी और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तमाम स्टूडेंट्स को नम्स की वेबसाइट से सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा जबकि पोस्ट के जरिए रिसीव होने

सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि आर्म फोर्सेस के जो इन सर्विस ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे हैं तो इनके लिए रिजर्व सीटें होती हैं और इसका तरीकाकार होता है कि जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की एम या बी की फीस है पर ईयर की ढाई लाख रुपए के करीब तो पेइंग कैड्स के लिए ये फीस आधे से भी कम रह जाती है इसके अलावा इनका जो मेरिट है ये नम्स कैडेट्स का जो मेरिट्स होता है तो उससे तकरीबन एक दो परसेंट कम ही रहता है और नम्स की तरफ से आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू या दिए गए ई मेल के थ्रू डायरेक्ट रब्ता किया जा सकता है